नमस्कार, मैं ग्रो स्टार से रमेश। आइए जानते हैं खीरे की फसल में फूल की अवस्था में सफेद मक्खी की समस्या, लक्षण, क्षति एवं प्रबंधन के बारे में। तो सबसे पहले हम लक्षण देखते हैं। जो सफेद मक्खी होती है यह पत्तों पर या पौधे के कोमल भागों पर ज्यादा संख्या में दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ ये जो है कोमल भागों से पत्ते के या पौधे के रस को चूस करके पौधों को कमजोर करने का कार्य करती है। इसके अलावा जिस पत्ते से रस को चूसती है वो पीला पड़ करके ऊपर की तरफ मुड़ने लगता है, जिसका आकार एक नाव की तरह बनने लगता है। धीरे धीरे संक्रमित पत्ते पीले हो जाते हैं और वो धीरे धीरे झुलसने लगते हैं। इसके अलावा सफेद मक्खी विषाणु जनित रोग को फैलाने के लिए भी एक वाहक का कार्य करती है। तो अब हम देखते हैं इसके नियंत्रण के बारे में। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए पावर ग्रो कंपनी की मैड्रिड, जिसमें 20% एसिटामिप्रिड एसपी फॉर्म में होता है, जिसकी 10 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी की दर से घोल करके छिड़काव करके हम अपने खीरे की फसल को फूल की अवस्था में सफेद मक्खी के प्रकोप से बचा सकते हैं।